सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मार्वल्स व्हाट इफ के पहले एपिसोड के ट्रेलर के बारे में। सो मार्वल्स व्हाट इफ ने अपने पहले एपिसोड का ट्रेलर इंटरनेट पर ड्रॉप कर दिया है और आप सब ने शायद इस ऑफिशियल क्लिप या ट्रेलर को अब तक देख लिया होगा। तो आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, बेसिकली मार्वल्स व्हाट इफ के टोटल 9 एपिसोड आने वाले हैं और जो पहला एपिसोड आने वाला है वो 11 अगस्त को रिलीज होने वाला है। और जो पहला एपिसोड होगा उसमें हम पेगी कार्टर के कैप्टन ब्रिटेन को फॉलो करेंगे और इस एपिसोड में हमें बकी और स्टीव रॉजर्स भी दिखाए जाएंगे। और जैसा कि आपने इस ट्रेलर में देखा, बेसिकली पेगी कार्टर इस एपिसोड में एक सुपर सोल्जर का रोल प्ले करेगी नेम्ड कैप्टन ब्रिटेन। इसके अलावा स्टीव रॉजर्स एक हाइड्रा एजेंट का रोल प्ले करेगा जिसको कि इस ट्रेलर में हम एक आयरन मैन के जैसे सूट को यूज करते हुए देखते हैं, जिसको कि इस ट्रेलर में हाइड्रा स्टॉम्पर करके बुलाया गया है। अब ब्रिटेन के पास और हाइड्रा के पास ऐसी टेक्नोलॉजी कहां से आई, ये काफी बड़ा सवाल होगा जो हमें व्हाट इफ के पहले एपिसोड में देखने को मिलेगा। इसके अलावा व्हाट इफ के हर एक एपिसोड 30 मिनट के आसपास के होंगे और व्हाट इफ का हर एक एपिसोड एमसीयू के ऊपर एक काफी बड़ा इंपैक्ट डालेगा। सो व्हाट इफ सीरीज के जो राइटर एंड प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि मार्वल्स व्हाट इफ 100% कैनन है एमसीयू के लिए। इसलिए जो भी इवेंट्स मार्वल व्हाट इफ में होंगे वो एमसीयू के ऊपर भी इफेक्ट डालेंगे। और ऐसा कहा जा रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में हम पेगी कार्टर के कैप्टन ब्रिटेन को देखने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारे और हीरोज जो हमें मार्वल्स व्हाट इफ में दिखेंगे, हो सकता है वो हीरोज भी हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने को मिले। इसके अलावा बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि क्या मार्वल्स व्हाट इफ हिंदी में रिलीज होगी या नहीं। तो अभी तक ऑफिशियली पता नहीं चला है कि मार्वल की व्हाट इफ हिंदी में रिलीज होने वाली या नहीं, पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार की तरफ से एक खुशखबरी है क्योंकि ये लोग 1 सितंबर से अपने प्लान्स को चेंज कर रहे हैं, जहां पर वो 3 नए प्लान्स निकाल रहे हैं और जिन तीनों प्लान्स में आप इंग्लिश कंटेंट और हिंदी कंटेंट दोनों को देख पाओगे। पर ये नए प्लान्स सितंबर 1 से आ रहे हैं, तो जिन्होंने भी अभी तक डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो वेट कर सकते हैं सितंबर तक और उसके बाद वो प्लान्स ले सकते हैं, क्योंकि जो नए प्लान्स हैं वो काफी अच्छे हैं क्योंकि इन प्लान्स में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों कंटेंट देखने को मिलेगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। और अगर मैं कंपेयर करूं तो ये प्लान्स कंपेरेटिवली नेटफ्लिक्स से सस्ते हैं और अमेजोन प्राइम वीडियोस के आसपास के हैं। बाकी व्हाट इफ के इस नए ऑफिशियल क्लिप में हमें अपना पहला लुक देखने को मिल गया पेगी कार्टर के कैप्टन ब्रिटेन का, स्टीव रॉजर्स के हाइड्रा स्टॉम्पर का। इसके अलावा बकी का भी पहला लुक हमें इस ऑफिशियल क्लिप में देखने को मिल गया। तो मैं पर्सनली अब काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ मार्वल्स की व्हाट इफ सीरीज को देखने के लिए। आप मुझे कमेंट्स बताओ कि आप किस एपिसोड को या किस स्टोरी आर्क को देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो मार्वल्स की व्हाट इफ सीरीज में। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।